जानकारी के अनुसार काकादेव निवासी महिला पत्रकार अंजलि सिंह स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया आज शाम को वो अपने पुत्र अर्जुन के साथ कहीं से आ रही थी, तभी बदनाम चाय वाले के पास इलाके के दबंग विष्णु ठाकुर ने उनको रोका और किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। गुस्से में विष्णु ठाकुर ने तमंचा निकाल लिया और अंजलि सिंह पर तान दिया। घबराई अंजलि सिंह और उसके पुत्र ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। दबंग विष्णु ने अपने 20 से 25 साथियों समेत उनका घर तक पीछा करके उनके घर पर चढ़कर पथराव किया और तमंचे से फायरिंग भी की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर 4 राउंड गोलियां चलाई गई थी और काफी हंगामा भी हुआ था। पत्रकार अंजलि सिंह ने मामले की शिकायत स्थानीय थाना काकादेव में की। सूचना पाकर सीओ स्वरूप नगर महेंद्र सिंह देव तत्काल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। सीओ ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। इंडियन वाइब न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।